हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी वेज विद गीत। गार्लिक ब्रेड तो आपने बहुत तरह की खाई होगी। आज मैं बनाने वाली हूँ चीज़ पटैटो गार्लिक ब्रेड। इसके लिए हमें ओवन की नीड भी नहीं है, इसे हम तवे पर ही बनाएंगे। ब्रेड बनाने के लिए चलते हैं मेरी किचन में। ब्रेड बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा, मेयोनीज, दूध, गार्लिक पाउडर, ओरिगैनो, एक उबला हुआ आलू, चिल्ली फ्लेक्स, नमक और बटर, और एक सबसे ज़रूरी चीज़ चाहिए जो है मोज़रेला चीज़। सबसे पहले एक बड़े बोल में हम एक कप मैदा लेंगे और उसमें हम 3 से 4 बड़े चम्मच भर के मेल्ट किया हुआ बटर डालेंगे। बटर हमें मेल्ट करके ही लेना है। उसमें हम 1-2 चुटकी नमक डालेंगे, थोड़े से चिली फ्लेक्स डालेंगे और थोड़ा सा ओरिगैनो डालेंगे और थोड़ा सा हम इसमें गार्लिक पाउडर डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे पहले, और जो दूध लिया था हमने उससे हम इसे गूंद लेंगे। हम इसे पानी से नहीं गूंदेंगे, हमें इसे दूध से ही गूंदना है, और दूध भी जो है वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा। इस तरीके से हम एक हार्ड सा डो रेडी कर लेंगे इसका। ऊपर से थोड़ा सा बटर लगाएंगे और इसे हम अच्छे से चिकना कर लेंगे। इसे अच्छे से नीट करेंगे ताकि डो हमारा अच्छे से चिकना हो जाए। अब हम इस आटे को 30 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। अब हम आलू लेंगे जो हमने बॉईल किया हुआ लिया था, उसे हम अच्छे से मैश करेंगे पहले। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, ओरिगैनो डालेंगे थोड़ा सा, और थोड़े से चिली फ्लेक्स डालेंगे। और अब हम इसमें 1 चम्मच मेयोनीज डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि आलू का क्रीमी सा मिक्सचर रेडी हो जाए। नमक हमें बहुत ध्यान से डालना है क्योंकि हमने बटर यूज़ किया है तो उसमें भी नमक होता है। ये देखिए आटा हमारा सेट हो गया है। इसे हम अच्छे से नीट कर लेंगे ताकि आटा चिकना और सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसे 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे। इसका एक पोर्शन लेंगे, उसका एक पेड़ा बना लेंगे इस तरीके से हम। अब हम इसे मैदे में डिप करेंगे, सूखे मैदे में एकदम, और फिर हम इसे रोल करेंगे। इस तरीके से हम रोल करेंगे। हमें इसकी रोटी बहुत पतली भी नहीं बनानी और बहुत मोटी भी नहीं बनानी। अब स्टफिंग के लिए सबसे पहले हम 2 चम्मच चीज़ रखेंगे। फिर हम इसमें जो हमने आलू का क्रीमी मिक्सचर रेडी किया था वो रखेंगे एक लेयर, और ऊपर से हम और चीज़ डाल देंगे। चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इस तरीके से ऊपर से इसे सील कर देंगे, ये देखिए, ताकि चीज़ हमारी बाहर ना निकले। और फिर हम इसे हल्के हाथ से फिर से रोल करेंगे एक बार मैदे में डिप करके। ये हम अच्छे से सील कर देंगे इसको ऊपर से, ये देखिए। हमें इसको बहुत पतला नहीं बेलना और हल्के हल्के हाथ से ही हमें इसे बेलना है ताकि ये टूटे भी ना और अच्छे से रोल भी हो जाए। हमें इसे घुमाकर इस तरीके से साइडों से ही बेलना है ताकि ये साइडों से मोटा ना रह जाए। ये देखिए हमारी ब्रेड बेल कर रेडी है। ये इतनी ही मोटी रखनी है हमें, ज़्यादा पतली नहीं करनी। अब हम इसे सेक लेते हैं। एक तवे पर हम ब्रश की हेल्प से ऐसे बटर लगाएंगे और इसे हम स्लो फ्लेम पर ही सेकेंगे ताकि ये अच्छे से अंदर तक पक जाए और चीज़ भी इसकी अच्छे से मेल्ट हो जाए। जब ये एक साइड से हल्का सा पक जाएगा तब हम इसे पलट देंगे और दोनों तरफ अच्छे से बटर लगा कर हम इसे स्लो फ्लेम पर ही सेकेंगे। इस तरीके से हम बटर लगाएंगे और इसे हम सेकेंगे। बस फ्लेम हमें इसकी स्लो ही रखनी है ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी बने और अंदर तक अच्छे से ये सिक जाए। थोड़ा सा हम दबा दबा के अच्छे से इसे सेक लेंगे। इसे दोनों साइड से सेकने में हमें 7 से 8 मिनट लगते हैं और ये क्रिस्पी और चीज़ी ब्रेड एकदम रेडी हो जाती है। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है दोनों तरफ से। ये हमारी चीज़ी ब्रेड एकदम
रेडी है, इसे हम इस तरीके से काट कर सर्व कर सकते हैं। ये बहुत गर्म है अभी। पोटैटो चीज़ी गार्लिक ब्रेड सर्व करने के लिए रेडी है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, घंटे का बटन दबाना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।